सीजीएम कोर्ट में एडीएम पर हुआ नालसी मुकदमा दायर। भागलपुर सिविल कोर्ट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में एडीएम राजेश झा राजा पर एक नालसी मुकदमा दायर किया। भागलपुर इश्काचक निवासी परिवादी अमरेंद्र तिवारी द्वारा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आलय बनर्जी के माध्यम से सीजीएम कोर्ट में एडीएम राजेश झा राजा डॉक्टर अजय कुमार सिंह डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पत्नी शिखा सिंह डॉक्टर विनोद जायसवाल डॉक्टर विनोद जायसवाल की पत्नी शीला जायसवाल सहित 5 लोगों को नालसी मुकदमा संख्या 1095/22 सीजीएम कोर्ट में अभियुक्त बनाया गया। परिवादी के अधिवक्ता आलय बनर्जी ने कहा कि परिवादी का आरोप है 0 माइल बरारी LIC के पीछे एक बड़े भूखंड को डॉक्टर अजय कुमार सिंह एवं अन्य अभियुक्तगण की मिलीभगत से गलत दस्तावेज पेश कर वही एडीएम राजेश झा राजा ने अपने पद का दुरुपयोग किया और बिना दस्तावेज संपुष्टि किए हुए अभियुक्तगण को लाभ पहुँचाने तथा स्वयं को लाभ अर्जित के उद्देश्य वाद संख्या 26/21/22 जगदीशपुर अंचल जमाबंदी संख्या 496 को रद्द करने जैसे कई संगीन आरोप लगाया। अरविंद कुमार ब्यूरो भागलपुर बिहार। मामला ये है कि एक अमरेंद्र तिवारी में पीड़ित है उनका एक जमीन है बराड़ी में और उपरोक्त जमीन को एडीएम एडिशनल कलेक्टर राजेश कुमार राजा और अन्य 5 अभियुक्तों के साथ मिलकर जिसमें डॉक्टर अजय कुमार सिंह श्रीमती शिखा सिंह और विनोद जायसवाल और श्रीमती शीला जायसवाल एवं अन्य लोगों ने मिल करके उक्त जमीन को अपने हेराफेरी करके राजेश झा के सह पर डीएम के सह पर जमाबंदी का इनका जमाबंदी जो विधिवत जमाबंदी था बिना विधिवत तरीके से उसको रद्द किया और उसमें से ये करोड़ों लाखों रुपया का गबन किया है हेराफेरी किया है। परिवादी के अनुसार एडीएम राजेश कुमार राजा जिसमें परिवाद पत्र में अभियुक्त संख्या 1 ने परिवादी से 1.5 कट्ठा जमीन की मांग की और ऐसा परिवादी ने जब उनको नहीं दिया तभी उन्होंने ऐसा कृत किया है जैसा कि परिवादी का बयान है जो कि 420 और अन्य तरह के आपराधिक मामला इनके ऊपर बनता है। इसी के लिए न्याय के लिए पीड़िता ने एक सीजीएम साहब के यहाँ माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ एक नालसी बात दायर किया है जिसमें कि माननीय न्यायालय ने इस मामला को संगीन मानते हुए थाना स्थानीय थाना को प्रशासन को जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन सुनिश्चित समय में देने के लिए आदेश दिया है। आलय बनर्जी अधिवक्ता भागलपुर।